यूपी विधानसभा में मंगलवार को एक बार फिर से कानून व्यवस्था का मुद्दा सामने उठा। इस मुद्दे पर जहां पूरे विपक्ष ने एक साथ सरकार को घेरा तो दूसरी तरफ सरकार ने आंकड़ों के साथ जवाब दिया। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में बताया कि सिर्फ दहेज मृत्यु को छोड़कर सभी तरह के अपराध के मामलों में कमी आई है। सदन में हंगामा ही हंगामा, कानून व्यवस्था पर सरकार से सवाल, जवाब से नाखुश विपक्ष, सदन से किया वॉकआउट। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान देवरिया शेल्टर हाउस का मामला मंगलवार को गूंजा। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर देवरिया शेल्टर हाउस के मामले में हीला हवाली करने का आरोप लगाया। सपा बसपा और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था के मामले में सरकार चर्चा से बच रही है। बेटियों के अपराध बढ़े हैं, उस ग्राफ को आज विपक्ष ने आंकड़ों सहित रखे हैं। सबसे उससे भी दुखद बात ये रही कि राज्य सरकार की ओर से जो आंकड़े रखे गए आज वो आंकड़े ही टैली नहीं किए। राज्य सरकार के उन्हीं आंकड़ों में दो तरीके के अंतर आ गए। जिस तरीके से महिलाओं के अपराध में उन्होंने पहले वृद्धि नहीं माना और अंततः उनको वृद्धि माननी पड़ी, हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के इतिहास में एक कलंकित दिवस है। अगर देखें जो आंकड़े सरकार ने दिए हैं, जो आंकड़े और बहुत सारी एजेंसियों ने दिए हैं, उस आंकड़ों के हिसाब से देखें उत्तर प्रदेश कई सारे आपराधिक मामलों में, कुछ मामलों में तो देश में नंबर एक है और कुछ मामलों में पिछली सरकारों के मुकाबले डेढ़ गुना वृद्धि कर दी है। तो मुझे लगता है सरकारें चुनी इसलिए जाती हैं, सरकारें विकास में वृद्धि करें, अपराध और भ्रष्टाचार में वृद्धि करने के लिए नहीं बनती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार अपराध में वृद्धि करने के लिए जानी जाती है और अपराध बेतहाशा बढ़ रहे हैं। सरकार के कंट्रोल से बहुत सारी चीजें बाहर हो गई हैं, सरकार सिर्फ भाषण दे रही है और अफवाह फैला रही है। उधर विपक्ष के आरोपों पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने जवाब दिया। सरकार के आंकड़ों को सदन पर रखते हुए सुरेश खन्ना ने कहा कि बीते साल भर में सिर्फ दहेज मृत्यु को छोड़कर हर अपराध में कमी आई है। सुरेश खन्ना ने सदन में देवरिया शेल्टर हाउस की घटना पर हुई कार्रवाई का भी जिक्र किया। हमने कभी नहीं कहा कि जीरो क्राइम होगा, ये हमने कभी नहीं कहा। क्राइम को रोकने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं, प्रिवेंटिव सेक्शंस में लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और खासतौर जब क्राइम कमिट होता है तो उसमें हम अपराधी के साथ नहीं खड़े होते। जो सताया गया है, जो पीड़ित है, जिसको न्याय की आवश्यकता है, हम उसके साथ खड़े होते हैं। हम कभी अपराधी के साथ नहीं खड़े होते। मानसून सत्र के दौरान बार बार सदन की कार्रवाई में बाधा आई है। इस बार फिर से विपक्षी दल एकजुट हुए हैं और सदन के अंदर और बाहर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। विधानसभा का ये मानसून सत्र अब तक बेहद दिलचस्प रहा है। पहले से छोटे से इस सत्र में अब तक बड़े काम के नाम पर सिर्फ अनुपूरक बजट ही पेश हुआ है। ज्यादातर वक्त शोर शराबे और कानून व्यवस्था के नाम पर हंगामे में गुजर गया। अब देखना होगा कि बचे हुए वक्त में जन समस्याओं पर कितनी चर्चा होती है। अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।